तो ये हम सीख रहे हैं शादियों में जो स्नैक्स होते हैं ना, स्प्रिंग रोल आपने खाए होंगे, ये वो है। उसकी कटिंग देख लो किस तरीके से करनी है। पत्ता गोभी भैया ने यहाँ पे ली है और कटिंग देखना उसकी किस तरीके से करेंगे। ये बीच का जो डंठल होता है वो निकाल दिया है और इस तरीके से आपको बारीक बारीक उसको काटना है। और इसमें आगे जो भी चीज़ मिलाते जाएंगे, जो भी वेजिटेबल्स इसमें यूज़ होंगी वो आगे देखते हैं। और तो पत्ता गोभी हमने देख ली थी, अब भैया इसमें प्याज डाल रहे हैं। प्याज की कटिंग देख लो किस तरीके से आपको करनी है। प्याज लिया भैया ने और उसको इस तरीके से काट दिया है। तो अब गाजर की कटिंग हो रही है स्प्रिंग रोल के लिए, ये देख लो। और भैया कह रहे हैं आप इस तरीके से बारीक तरीके से काट भी सकते हो, और अगर आपको और ईजी करना है तो आप इसको कद्दूकस भी कर सकते हो बारीक तरीके से। तो जैसा आपको सही लगे वैसा आप कर सकते हो, कटिंग भी कर सकते हो ऐसे बारीक तरीके से और कद्दूकस भी कर सकते हो। और अब देख लो शिमला मिर्च की कटिंग हो रही है स्प्रिंग रोल के लिए। कटिंग देख लो आपको किस तरीके से करनी है, कितनी बारीक रखनी है, कैसे करनी है। और क्वांटिटी जब इसका बनाएंगे ना भैया, इसमें मसाले वगैरह मिलाएंगे, क्वांटिटी तब देखेंगे कितनी क्वांटिटी में पत्ता गोभी रखनी है, गाजर रखने हैं, प्याज रखने हैं, शिमला मिर्च रखनी है, जितनी भी सब्जी है ना सारी क्वांटिटी उसी टाइम मैं आपको बताऊँगा कि कितनी कितनी क्वांटिटी में यूज़ होंगी। तो ये देख लो यहाँ पे जो स्प्रिंग रोल की सब्जियाँ होती है ना उसकी भुनाई हो रही है, उसमें मसाले मिलेंगे। और इसमें मैंने आपको दिखा दिया था क्या क्या चीज़ थी, कितनी कितनी चीज़ थी भैया, क्वांटिटी एक बार बता दोगे। जैसे पत्ता गोभी कितनी है इसमें? 1 किलो पत्ता गोभी है, 200 ग्राम शिमला मिर्च है, गाजर है 100 ग्राम और ऑनियन है आपका, प्याज 100 ग्राम। ठीक है, तो ये क्वांटिटी आपने देख ली कितनी कितनी है। अब इसको भूनेंगे, तेल लिया भैया ने यहाँ पे थोड़ा सा। और तेल कितना होगा भैया? ये भैया तेल होगा 50 से 100 ग्राम के बीच में। 50 से 100 ग्राम तेल आपने रखना है इसमें। इसको भूनेंगे, आँच आपको मीडियम ही रखनी है, मीडियम आँच में इसको भुनना है। अब इसमें मसाले डलेंगे, मसाले देखते हैं क्या क्या मसाले डल रहे हैं और कितनी क्वांटिटी में डल रहे हैं। तो ये देख लो सबसे पहले भैया ने इसमें डाल दिया नमक, एक चम्मच नमक, और बाकी जो भी मसाले आगे डालते जाएंगे वो हम आपको दिखाते रहूँगा। और कंटिन्यू इसको हिलाते रहना, चलाते रहनी है करछी। लो ये भैया इसमें डाल रहे हैं टमाटो सॉस 1 चम्मच, भैया ने इसमें डाल दिया चिली सॉस 2 चम्मच, टमाटो सॉस भी डालेंगे इसमें, चिली सॉस भी डालेंगे और विनीगर भी डालेंगे। ये देख लो विनीगर डाला 1 चम्मच, ये डाल दिया भैया ने अजीनोमोटो 1 मुट्ठी। हाँ तो मैं आपको बता रहा था भैया ने पहले 50 ग्राम तेल लिया था, उसमें सारी सब्जियां डाली थी, 1 चम्मच डाला था उसमें टमाटो केचप, 1 चम्मच डाला था ग्रीन चिली सॉस और 1 चम्मच डाला था आपका सिरका, और 1 मुट्ठी आपने देख ही लिया है सामने अजीनोमोटो डाला है। काफ़ी लोग कमेंट करते हैं अजीनोमोटो ये वो अच्छा नहीं होता सेहत के लिए, लेकिन जब बाहर जाते हैं खाने तो ऐसा ही मिलता है यार, बिना कोई चाइनीज़ आइटम होता ना वो बिना अजीनोमोटो के टेस्ट ही नहीं देता है, वो इसी के साथ बनता है। बाकी आपकी वो चॉइस है, आप घर में उसके बिना बनाओ या उसके साथ बनाओ, वो आप देख लेना ठीक है। तो ये देख लो भाई यहाँ पे हमारी जो स्प्रिंग रोल की स्टफिंग होती है ना सब्जियों की, वो बनके डन हो चुकी है। अब इसको आपको 10-15 मिनट तक भूनना है, उसके बाद बनके ये डन हो जाएगा। ये देख लो इस तरीके से, फिर आपको इसको बर्तन में निकाल के रख देना है। तो चलिए जो अब स्प्रिंग रोल की रोटी होती है ना वो देखते हैं वो किस तरीके से बनाई जाती है, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा टफ होती है बनानी। तो चलिए वो सीखते हैं वो किस तरीके से बनाते हैं। तो ये देख लो यहाँ पे सीख रहे हैं हम स्प्रिंग रोल की रोटी बनाना। ये आरा रोट लिया अभी आपने, और कितना आरा रोट होगा भैया? ये इसमें जाएगा आधा किलो आरा रोट आपने लिया, और पानी आपने नीचे देख लिया था, फिर भी बता दीजिए भैया पानी कितना होगा नीचे? पानी आधा किलो अभी फिलहाल। अच्छा, आधा किलो आरा रोट में आधा किलो पानी, और कितने रोल बन जाएंगे भैया इससे? 15 रोल बन जाएंगे। और ये क्या मिला रहे हो भैया? मैदा है। और ये मैदा है, ये 100 ग्राम मैदा। तो क्वांटिटी आप नोट करते रहना, साथ में नोटबुक या कुछ लेके बैठना, क्वांटिटी नोट करते रहना या वीडियो को दोबारा देख लेना। तो ये देख लो इस तरीके से, अब आपको इसको फेंटना है, अच्छे से मिक्स करना है, लिक्विड पेस्ट बनाना है इसका, ताकि इसमें लम्स नहीं रहने चाहिए, गांठें इसके अंदर रहनी नहीं चाहिए। तो चलिए भैया को इसको करने देते हैं ऐसे, और जब भैया कर देंगे तो उसको दिखाऊँगा मैं आपको इसकी थिकनेस कितनी रखनी है और कैसा ये दिखता है फेंटने के बाद। तो भाई ये हमारा जो वो होता है ना स्प्रिंग रोल की रोटी, उसका घोल तैयार हो चुका है। भैया एक बार दोबारा बता दोगे इसमें कितना आपने आरा रोट लिया था, कितना आपने आटा वो जो आपने बीच में डाला था? 500 ग्राम आरा रोट है, ठीक है, 100 ग्राम मैदा है, ठीक है, 600 ग्राम टोटल पानी है। अच्छा, और उसको अच्छे से घोल देना है। हाँ। तो ये बन के रेडी हो जाएगा। भैया एक बार दिखाओगे कितना मोटा या पतला है, ये उठा के दिखाओगे एक बार? ये देख लो इतना पतला आपको रखना है, ये देख लो इतना पतला ये आपको रखना है। तो चलिए जब इसको बनाएंगे तब आगे देखेंगे किस तरीके से बनाया जाता है। तो यहाँ पे हम बनाने जा रहे हैं स्प्रिंग रोल का जो बेस होता है ना, शीट होती है, वो बनाने जा रहे हैं। देख लो किस तरीके से आपको बनाना है।
ये ऐसे डालना है और जो बाकी का होगा वो वापस आपको बर्तन में डाल देना है जिसमें उसका बैटर रखा होगा। और आपको मैं बता दूं, जो पैन होगा वो आपका नॉनस्टिक पैन होना चाहिए और मैक्सिमम 30 सेकंड इसको लगेंगे। आँच आपको लो टू मीडियम रखनी है इस तरीके से। ये देख लो, थोड़ा सा ब्लर हो रहा होगा, ये देख लो, ये जो एक्स्ट्रा वाला है वो हटा देंगे। और अब ये पक चुका है, ये निकाल के भैया रख देंगे यहाँ पर, यहाँ पे इस तरीके से ये रख दिया है। तो बेस ले लिया है यहाँ पे स्प्रिंग रोल का और इसमें डाल रहे हैं अब इसकी स्टफिंग, जो आपने देखी थी सब्जियाँ किस तरीके से इसको बनाया जाता है, क्या क्या क्वांटिटी इसमें रखनी है। ये ले लिया इसकी स्टफिंग और अब इसको रोल करेंगे। ये साइड में लगा दिया इसका हल्का सा, जो आप जो इसका बैटर था ना वही आपको हल्का सा साइड में लगाना है, जो इसका बैटर बचा हुआ था वही साइड में लगा देना है जिसकी वजह से ये साइड से खुले ना। ये देख लो इस तरीके से, ये इस तरीके से आपको इसको फोल्ड करना है हल्के हाथों से। और जो इसकी स्टफिंग होगी वो ज़्यादा भी मत भर देना ताकि ये फट जाए, स्टफिंग कम ही रखना। और ये देख लो किस तरीके से बीच बीच में लगाए जा रहे हैं ताकि ये खुल भी ना जाए ऐसे। और ये देख लो, ये यहाँ पे अपना रोल बन के हो गया है, बस इसको फ्राई करना बाकी है। अब ये देख लो, आपने रोल लिया, उसमें सब्जी रखी और फिर जिस बैटर से आपने बनाया ना उसी बैटर को साइड साइड में लगा देना ताकि ये खुले ना। तो भाई मंचूरियन का जो ग्रेवी होती है थोड़ी सी जब इसमें चपकती लटपटी सी होती है वो देख रहे किस तरीके से बना। इस तरीके से फिर आपको इसको फोल्ड करना है। ये देख लो, तेल लिया कम से कम 20-30 ग्राम, उसमें डाला है जिंजर गार्लिक और मिर्च कटी हुई, और साइड साइड में आपको ऐसे इसको लगाते रहना है ताकि ये खुले ना और तेल में फटे ना जब इसको फ्राई करेंगे। ये देख लो, और ये कुछ और बैटर तेल वगैरह कुछ नहीं है, जिस बैटर से हमने इसकी बेस बनाया था ना, इसकी रोटी बनाई थी वही चीज़ है ये, कुछ अलग सी चीज़ नहीं है। तो ये देख लो यहाँ पे हमारा फोल्ड होके ये रेडी हो चुका है। तो चलिए अब इसको देखते हैं फ्राई किस तरीके से करना है, तेल कितना गर्म करना है और कितनी देर में ये पक के रेडी हो जाएगा। तो अब स्प्रिंग रोल यहाँ पे फ्राई कर रहे हैं, तेल उसके लिए आपको रखना है मीडियम गरम। और अब ये देख लो, छोड़ दिए यहाँ पे स्प्रिंग रोल और 3 स्प्रिंग रोल डाल दिए। लगभग भैया कितना टाइम लग जाएगा इसको फ्राई होके पकने में, रेडी होने में? 10-12 मिनट लगेंगे अभी इसको। अच्छा, क्योंकि आरारोट होता है पकने में टाइम लेगा ये थोड़ा सा, तो 10-12 मिनट इसको लगेंगे फ्राई होने में, पकने में। आप घर में लो टू मीडियम आँच में ही इसको पकाना, तेल भी मीडियम गर्म रखना। तो चलिए इसे पकने देते हैं, जब ये पक के रेडी हो जाएगा। और साइड साइड में देख लो वहाँ पे ये भरते भी जा रहे हैं स्प्रिंग रोल, मैंने आपको कम ही दिखाया है क्योंकि आप घर में ताकि आराम से इजली समझ पाओ, वहाँ पे और बनाते जा रहे हैं क्वांटिटी में। और ये सारी चीज़ें भी हैं, वेज कटलेट है, हरा भरा कबाब है, फ्रेंच फ्राइज है, वहाँ पे मंचूरियन है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। काफ़ी सारी चीज़ों की वीडियो आ रही होंगी चैनल में या आ चुकी होंगी, आने वाली होंगी, तो लाइक कर देना वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लेना ताकि आपको सारी वीडियो की पता चलता रहे कब आ रही हैं। तो चलिए इसको पकने देते हैं 10-12 मिनट तक, उसके बाद जब ये निकालेंगे इसको बाहर पक जाएंगे तब मैं आपको बताऊंगा। तो भाई ये देख लो, यहाँ पे हमारे स्प्रिंग रोल ऑलमोस्ट डन हो चुके हैं। ये भैया हो चुके हैं या अभी टाइम लगेगा इसको? बस इसको निकालने वाले हैं भैया 2-4 सेकंड में, और कलर मैं इसका दिखा दूंगा आपको जब ये बन जाएगा। तो ये देख लो, यहाँ पे हमारे स्प्रिंग रोल बन के रेडी हो चुके हैं, ये इन्होंने निकाल दिया तेल से बाहर। अब जब इनकी कटिंग करके देखेंगे ना, जो टेढ़ी शेप में इनकी कटिंग होती है तब करके देखेंगे। तो फिलहाल ये निकाल दिए बाहर और अब इसकी कटिंग करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये रख दिए हैं यहाँ पर, ये देख लो। तो भाई ये देख लो, आपने देख लिया था किस तरीके से इनको निकालना है, और ये देख लो कितना बढ़िया तरीके से कट रहे हैं, बहुत ही क्रंची बने हुए हैं यहाँ पे, और खाने में काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, स्प्रिंग रोल की पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।